यार। तो ये आ गए दीवा दीदी, हम होटल आइडिया अपना गाइस देखिए कितने अच्छे से खड़े हो जाता है, इसको पूरा एक्सपीरियंस है ये देखिए। तो गाइस हम लोग जा रहे खेतों में दूध निकालने के लिए 10 किलो का फिल्टर लगा के कितने किलो का। तो गाइस यार बस एक ही चीज कहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करना, और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनको दिल से सलाम, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाइस राम राम, जय माता दी। देखना अभी टाइम क्या होगा, अभी उठिए जे माफी साथ साथ इतनी बनाती है ना, पूछ लो अभी किचन में आई, अभी आई है किचन में, अभी आई उठी में साढ़े सात की हूँ, उसके बाद मैं थोड़ी जय माता दी। तो गाइस अभी वैसे मुझे पूजा करनी है क्योंकि अष्टमी मेकअप करके बाहर निकली हूँ, और वो इन्होंने वजन लगा दी थी, थोड़ा मेरा उस ध्यान उधर चला गया था ना वजन की तरफ, तो बड़ी शांति मिल रही थी। तो चाय आपने घर के लिए बनाई है, तो यहाँ पे बाबी ने चाय बना दी, थैंक यू सो मच। अभी हम लोग पियेंगे चाय साथ में, आज मेरा फास्ट है। अच्छा तो अभी हम लोगों ने प्याज किस चीज में डालने हैं, नहीं डालने ना हम प्याज डालेंगे ना हम लहसुन डालेंगे, प्याज डालने तो वो मैं सोच रही थी। तो ठीक है आज हम मम्मा ने रख दी है राजमा, आज हम बनाएंगे राज, कोई बोल रहा था ना वो राजमा होते हैं, तो हम लोग ना जब जम्मू से हम राजमा ही बोलते हैं। जय सिया राम। दीदी आ गई नहा के, तो ब्लोर चाहिए, ब्लोर अंदर है, अंदर के बैठो, तो वहाँ हम चाय लेके आते हैं आपके लिए। फिलहाल तो मुझे जाना है पूजा में, जस्ट 5 मिनट के लिए हम लोग पूजा में जाएंगे। तो मम्मा ये चावल कहाँ जा रहे हैं, तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी करेंगे पूजा। तो बच्चे अभी सो रहे हैं आप देख सकते हो, और अनी यहाँ टावल लेके कभी इधर घूम रहे हैं कभी इधर घूम रहे हैं ऐसे। तो टिक्का मेरा खराब हो गया। तो अभी टाइम आ गया है, सुबह के उठे हुए हैं इस टाइम, मतलब चाय मिली है तो काफी टाइम हो गया है चाय को। अभी तो आए हैं, अगर सासू माँ बेचारी बड़ी दुखी है, कोई दुखी नहीं है, कितनी बड़ी दुखी है बेचारी। मेरा नाम भी राम, मेरा नाम हरी है चौधा, बेचारी उधर नाम लगा करो। हाँ मेरा नाम हरी, किन्हें रोटी भी है बेचारी, 5 बजे उठी थी सीता बेचारी। तो अभी हम लोग ये 5:30 बजे उठते हैं, एक मैं हूँ जो 7:30 बजे 8-9 बजे उठती हूँ, बाकी 5:30 बजे कोई उठता है, कोई 4 बजे उठता है, कोई 3 बजे उठता है, तो मैं एक 7:30 बजे उठती हूँ, बाकी सभी जल्दी जल्दी। दीदी तो 3:30 बजे उठ के नहा के आ गई थी अंदर, मैं हूँ उठी हूँ। तो गाइस बाकी अभी चल रहे हैं चाय के साथ लड्डू, तिल्ली वाले लड्डू, खोए वाले मतलब। तो मम्मा भी खा रही है लड्डू और सभी खा रहे हैं, मेरा आज फास्ट है, सबका फास्ट है। तो अभी हम लोगों ने सभी ने रखा हुआ है फास्ट, अनी नहा के आए हैं, तो बहुत ज्यादा है। तो मेरा भाभी का, दीदी का और मम्मा का, सबका फास्ट है, तो अभी हम लोग चाय के साथ खाएंगे लड्डू, उसके बाद देखते हैं। फिलहाल तो बाकी सबके लिए बन रहे हैं आज राजमा चावल, तो उनको लगाने वाली है तड़का में विदाउट लहसुन एंड प्याज। तो ठीक है गाइस देखते हैं ब्रेक के बाद। बना रहे हैं सारी मूली का परांठा, और उसका मैंने पहले मसाला बनाया था, ये हमारा फिनिश हो गया, अभी थोड़े बच्चे बचे थे जिनके लिए मैंने और मसाला बनाया। अभी हम लोग बना रहे हैं चपातीज, और यहाँ पे दीदी ने बनाए बहुत सुंदर से राजमा, राजमा 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 बहुत सारे। अभी हम लोग बनाएंगे चावल, और चावल बाहर बनेंगे, बाबी मम्मा भी बनाएंगी वो। तो फिलहाल के लिए तो अभी ब्रेकफास्ट के लिए बन रहा है आलू नहीं जाना था, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम आलू ही खाता है ना, खाते हैं ना, तो मूली का परांठा तो वो मैं बनाऊंगी। उसके बाद हम लोगों का फास्ट है, तो फास्ट के लिए हम लोग बनाएंगे आलू टिक्की, तो वो हम लोग जब बनाते हैं तो वापिस आपको अपने किचन में लेके आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए। पंप कर लेते हैं, करना तो पंप है।
तू दी पै पे खुशी वाला सिलेंडर है पाइप वगैरह पंप यूज कर ले तू ना सही की था कि नहीं की था पोशा जब हम लोग स्कूल जाते तब तो आपको बड़ा सुकून मिलता है बोले सारा टूट जाता है ऑक्सीजन पाइप पंप सब में चली जाता है सिलेंडर भी चली जाता है तेरा मौजूद है ओला दीदी बड़े मुश्किल है टाइम का दीदी पता नहीं है एक एक पल दीदी वास्ता बड़ा हो स्कूल वाले दो दिन की छुट्टी के दे दे के सा इतने रुक जाते हैं वो पागल फिर तो सारे घर आंदे फिर पता नहीं हो जंदा ता करिए फिर सारा घर इतना टेंपरेचर बॉडी बर्दाश्त नहीं कर सकती गाइस वेलकम बैक सो अभी जैसे आप सबको पता है कि हम लोगों का है फास्ट वो फास्ट में आपको पता ही है क्या ही खाते हैं हम लोग मुझे जब सबसे ज्यादा पसंद जो है वो है ये आटा की मतलब फास्ट वाले आटा की वो टिक्कियाँ और दूसरा मुझे पसंद है सब्जी सब्जी में मुझे मैंने आज बनाया है पत्ता गोभी के साथ आलू ठीक है मिक्स करके तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका भी उसमें हम लोगों ने डाला थोड़ा सा आमचूर और आमचूर के साथ हम लोगों ने उसमें डाली हरी मिर्ची लाल मिर्ची ये सब तो बहुत अच्छा सा बनता है ये बहुत अच्छा मतलब फास्ट के लिए एक अच्छा अच्छी सब्जी बन जाती है एक्चुअली आलू मम्मा को सूट नहीं करते ज़्यादा तो फिलहाल तो मैं बनाने जा रही हूँ टिक्कियाँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है 12 बज चुके हैं और उनको लगी हुई है भूख उन्होंने टैबलेट्स लेनी होती है बीपी की तो ठीक है गाइस फिलहाल तो इतना ही और थैंक यू सो मच ये लोग कमेंट्स कर रहे थे कि मेरी सास जो है वो बर्तन साफ करती है तो मैं अच्छी बहू नहीं हूँ ये वो जो भी मतलब है तो थैंक यू सो मच मैं हूँ ही नहीं यार मैं हूँ ही ऐसी जी तो ऐसा नहीं है तो ठीक है फिलहाल तो मैं हूँ ही नहीं अच्छी तो जो लोग बोल रहे थे कि अच्छी हूँ मैं अच्छी हाउस वाइफ हूँ तो वो भी ठीक है थैंक यू सो मच तो मैं कोशिश करूँगी वैसे जो लोग जिसने मुझे बोला कि सास से काम करवाती है यार क्या ही करूँ वो नहीं मानती यार उनकी पुरानी हैबिट्स बन चुकी हैं टाइम टेबल उनका बना हुआ है तो वो वैसे ही चलती हैं वो नहीं मान सकती हैं तो वैसे नहीं है कि बहुएं कहें कि बैठ जाओ तो बैठ ही जाएंगी उठेंगी नहीं तो बहुत अच्छी हैं उनकी नेचर बहुत ज़्यादा अच्छी है तो वैसा नहीं करेंगी हमारे कहने पे जब हम लोग मना करेंगे वो तब भी करेंगे तो वो बाकी सांसों की तरह नहीं है बहुत अच्छी वाली सांस है तो इसलिए थोड़ा फ़र्क तो होता ही है ना अच्छे और बुरे इंसान में तो वैसे ही हैं बाकी ठीक है गाइस थैंक यू सो मच मुझे बनाने ठीक है तो टिक्कियाँ बना के फिर मिलते हैं आपको फैमिली के साथ वेलकम बैक तो फिर से एक बार स्वागत है आपके घर तो अभी हम लोग आए हैं पूरी दीदी के घर में मलाल में क्योंकि इनका घर ऑलमोस्ट तैयार हो गया और ये लोग घर में नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये डर रहे हैं कि हम लोगों को कहीं खाना ना खिलाना पड़े इनको तो अभी हम लोग गेस्ट पहुंचे हैं और गाइस आप लोगों को दिखाऊंगी क्योंकि दीदी ने न्यू मतलब जो दीवार जो है बाहर की मेन दीवार जो वो दी है और बहुत अच्छा सा डिजाइन डाला हुआ है और मुझे बहुत अच्छा ये दिख सकते हो आप ये दिख रहा है इनका घर और ये है मेन दीवार यार तो ये आगे दीवार दीदी था होटल आइडिया अपना ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਰੱਖੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਫੋਟੋ ਲੈਣੇ ਆਪਣਾ ਕਿਆ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕਿਆ ਲਗਾਣੀ ਤੇ ਟਾਇਲ ਔਰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸੈਟਰਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਭੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਹੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇ ਜਾਏਗਾ ਉਧਰ ਜਬ ਵਹਾਂ ਸੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ तो ये आ गया दीदी का घर यहाँ और ऊपर लगाया हुआ है कंबल दीदी ने तो गाइस फिलहाल तो लॉग है अभी तो इधर दीदी ने पीछे भी जगह रखी हुई है हम आपको वो भी दिखाएंगे और मैंने चप्पल के दोनों तरफ स्टॉप नहीं कर के रेच की हुआ है यार निकल के मेरे को यार मेरे को पता नहीं क्या रहा है आज क्या पड़ी हुई है ये नहीं सही लग रहा है दीदी ये रखी बोल के उतारना कुन्ना है जिससे तो हम को फंसी हो पड़ता फिर तो हम उतना भी नहीं होगा रोके रहने के सो गाइस इतने दिन हम लोग थे बिजी सप्ताह में तो हमारा फ्रूट इतना खराब हुआ कुछ मैंने फेंक दिया और कुछ जो अच्छा अच्छा था वो मैंने सोचा इस तरीके का बनाती हूँ क्योंकि ये अमरूद जो है जब ज़्यादा गल जाते हैं ज़्यादा पक जाते हैं तो इसको ना खट्टे के बिना खाने का मज़ा नहीं आता तो इसलिए मैंने सभी के लिए बनाए इमली वाले अमरूद और अब हम लोग खाएंगे स्टिक के साथ तो
इसलिए मैंने बहुत सारी इमली इसमें ऐड करी ताकि बच्चे अच्छे से खा सके टेस्ट लेके। और दूसरा हमारा फूड जो है मीन्स की फ्रूट्स जो है वो वेस्ट ना हो, क्योंकि फूड को वेस्ट हमें नहीं करना चाहिए, इसलिए अभी हम लोग खाएंगे अमरूद। और सुदामा को अपनी गाड़ी पर बिठाए, खुशी खुशी शूट के क्या खुशी। चलो मन अक्का जगह होती आगे अक्का जगह कोई कुड़ी करा खा नहीं वो नरक दा आदि गाली होता मामे उठी जा रही है नहीं गई मैं तो ये असदा कट रही हूं हैं कट गया खा रही है अमरूद। और अभी डिमांड आई है चाय की, तो जब तक इनके अमरूद फिनिश होंगे तब तक हम लोग बना लेंगे चाय। तो वैसे आप लोगों को पता मुझे चाय पसंद है, तो भाभी को अमरूद नहीं खाने आप लोगों ने, मैंने इतने अच्छे से कट किए हैं इमली डाल के। तो अभी हम लोग बनाएंगे चाय, तो चाय के लिए मैंने डाली है पानी और अभी इसमें हम लोग स्पेशल मसाला बना के डालेंगे। चाय का मसाला मैंने बना लिया, इसे आपको पता है अदरक लौंग और इलायची डाल के मैं मसाला बनाती हूँ, फिर मुझे चाय अच्छी लगती है। तो अभी हमने बना लिया इसका मसाला और मसाला जाएगा सीधा पानी में। तो उसके बाद हमारे शाम के खाने का चावल जो है वो चावल का पानी बिल्कुल गर्म हो गया, उसके बाद मुझे डालना है चावल उसमें क्योंकि हम जल्दी जल्दी काम फिनिश करेंगे। तो उसके बाद ठंडी ज़्यादा हो जाती है शाम को, तो जल्दी से हम लोग फिनिश करके फिर देखते हैं वैसे शाम को मतलब इवनिंग टाइम अगर आप हमारा कहीं मन हुआ बाहर जाने का तो देखते हैं, अभी तक फिर प्लान नहीं है बट सोचा हुआ थोड़ा सा ऐसे नॉर्मल सा। तो गाइस हम लोग जा रहे खेतों में दूध निकालने के लिए, कैमरे पर डाल रहे थे कैमरे देखिए उधर ही है लगी हुई है रोन रोन दे मम्मा लग रहा है हां तू तो मन्नू मोटरसाइकिल आई ऊपर देखिए कितने अच्छे से खड़े हो जाता है, इसको पूरा एक्सपीरियंस है ये देखिए। अभी चल रही है हम लोगों की, ये देखिए हम लोगों ने कुछ नहीं खाया, हम लोग गए थे इनके घर में मलाल से, हम लोग वापिस आए तो हम लोगों ने देखा इतने इन लोगों ने इतना गंद डाला हुआ यहाँ खा खा के, साफ सफाई का इनको बोलो इनको कुछ नहीं आता है, बस इनको गंद डालना आता है सिर्फ, ये सारा उठाओ चलो यहाँ पे झाड़ू लगाओ चलो चलो उठ जाओ। मैंने एक भी नहीं खाया। आ, तूने खाया तू खाती, तेरा मुंह सिला हुआ है बंद हुआ है पूरा तरह से। मेरा पेट खराब नहीं, कढ़ाई चढ़ो हूं पकौड़े लिए मजा लिया सारे को पहले रसोई नहीं है भाई, मेरी शर्त लगी मेरी तू देख मैं गजब बेइज्जती कहना गजब बेइज्जती कहना बेगवा मुंडा नटिए पैदल गए गाइस। तो जैसे आप सबको पता है इवनिंग का टाइम मींस कि अभी हम लोगों का टाइम हो गया है 6 बज चुके हैं और 6 बजे के करीब हम लोगों का खाना जो है वो बनने लगता है, मतलब बन गया होता ऑलमोस्ट। अभी चावल जो है हमारे बन चुके हैं बट दाल मुझे करनी है फ्राई, तो आज हमने बनाई है दाल, तो दाल फ्राई करने में जा रही हूँ। तो उसके लिए मुझे टमाटोज लेने हैं क्योंकि अभी हम थोड़े दिन से मतलब नहीं खाए, लहसुन वगैरह मुझे नहीं डालना उसमें। तो रात दोपहर को मैंने बनाए थे राजमा, अभी राजमा हमारे बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं यहाँ पे, तो फिर भी हमें बनाने हैं थोड़ी सी दाल क्योंकि हमने सुबह का रखा हुआ था फास्ट। तो अभी हमने बनाई दाल, अभी दाल को लगाएंगे हम लोग तड़का। तो सभी बैठे हुए हैं अंदर रेस्ट कर रहे हैं, तो अभी ठीक है लगाते हैं तड़का। तो गाइस यहाँ पे मैं कर रही हूँ कपड़े प्रेस, आप सोच रहे होंगे कि अपने ही करिए, मैंने सब पहले सबके किए थे क्योंकि मैं सोचती हूँ कि अगर लाइट बंद हो जाएगी तो मेरे रह जाएंगे, कोई बात नहीं क्योंकि मुझे ज़्यादा आदत भी नहीं है इस तरीके लगाने की।
और खुशी ने 3 दिन हो गए ड्रेस लगाए हुए, सड़ा हुआ, इसमें जुए पड़ जाएंगे मुझे लगता है जिस तरह की कंडीशन है इस ड्रेस की। बाबियां दा लंगर खुल गया है, बाबियां दा लंगर खुल गया है, लंगर खाने वाले बंदे आंदे हुए ने इधर से। देखो लंगर खाने वाले बंदे कियां ऑर्डर रजाई छड़ के बाहर आंदे पे ने, बिस्तर छड़ के बाहर आंदे पे ने बंदे। लंगर 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 बाबियां दा लंगर, बाबियां दा लंगर, बाबियां दा लंगर, इधर इधर बाबियां दा लंगर। ये देखो अरजाई छड़ी है कियां भाई लंगर खाने वाले। दिस इज नॉट लोग गाइस, यहां पे चल रही है रियल टाइम 10 किलो का फिल्टर लगा, लगा के कितने किलो का 10 किलो का ये तो बना और कितना रुक ही जाने ए अरे पापा दे नाम से चोल देने। कैंटीन दिन का नहीं आना ही जाना है। मम्मी ऐसा आवाज ही है कैंटी कुंटी नहीं रंगा रहा हूँ। चल मैं कॉल कर देना, ये ले ये आइए कॉल, आइए आइए कॉल दे था दे अर्ग। चल दूर गया ही। चल ला तू गाइस, अभी सारा काम फिनिश करने के बाद मुझे मौका मिला है खाना खाने का। तो हमारे डिनर में आज है दाल, तो एक्चुअली सुबह का हमारा फास्ट था तभी मैं खा रही हूँ, मैंने 2 चपाती खा ली है, बस मुझे इतना ही खाना है। तो आज के ब्लॉग में जिस जिस को भी मज़ा आया वो कमेंट करे, और जिस जिसने कमेंट किए थे ना कल वाले ब्लॉग में उनको थैंक यू सो मच, जो बोल रहे हैं कि ऐसा ननद और भाभी का रिश्ता बहुत कम देखने को मिलता है, थैंक यू सो मच उनको। जो कह रहे थे कि आप बहुत अच्छे हो, जो भी है, थैंक यू सो मच सबको, जितने जिन्होंने भी कमेंट किए थे, जो मुझे बोल रहे थे कि ये ब्लॉग बनाने के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच उनको भी फिर से मेरी तरफ से। गाइस आपको बस आपको मुझे थैंक्स नहीं बोलना है, आपको मुझे सब्सक्राइब मेरे चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, बस ये कर दो और ब्लॉग्स को लाइक कर दो और शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो ठीक है गाइस, मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है आपके साथ। बाय बाय, शुभ रात्रि।